सर्विस। क्या कूरियर सर्विस? मेरा पैकेज, जल्दी से मेरा पैकेज दो। नीचे से कैसे खोलेगा भाई? यहाँ नहीं खोलेंगे, लोग देख रहे हैं। अब इसे गिफ्ट देने की क्या जरूरत है? मेरा बर्थडे तो अगले महीने में है। तो मेरे प्यारे भाइयों पेश है यहाँ से भागने का एक नया मस्त वाला आइडिया। ये है जीजी, एक जिराफ। इस नन्हे मुन्ने प्राणी की मदद से हम कैसे भागेंगे भाई? इसकी गर्दन पर चढ़ के घोंचू। रात को हम जीजी को दीवाल के पास ले जाएंगे, चढ़कर दीवाल क्रॉस करेंगे और टड़ा आजादी। लेकिन इसे देखो तो, ये कितना छोटू सा है, भागने के लिए बड़ी हाइट वाला चाहिए ना। ये जिराफ एक दुर्लभ प्रजाति का है जो एक दिन में 20 इंच लंबा होता है। इसका मतलब होगा कि हम जल्दी आजाद हो जाएंगे। कोई शक? इसने मुझे अपनी मम्मी समझा क्या? अंदर क्या चल रहा है? मैं मेरे सरप्राइज। अब जल्दी से दरवाजा खोलो और मेरा गिफ्ट मुझे दे दो। यहाँ इतना शोर काय कर रहा हो? शोर कैसा शोर? उस चादर के नीचे का है भाई? कुछ नहीं। ये उम्र ये मस्ती करने के, ऐसा लग रहा है जैसे मैं पत्थरों पर सोया था। पत्थर पर ही सोए थे क्योंकि उस जीजी ने सारे गद्दे खा लिए। देखो तो। अरे तुम सही कह रहे थे, इसकी हाइट तो देखो जरा। वाह जीजी बहुत अच्छे। इस स्पीड से तो हम 3 दिन में बाहर निकल जाएंगे। जीजी मेरी बेटी जीजी। अरे मुझे तो कभी शाबाशी नहीं दी। मुझे मेरा सरप्राइज कब मिलेगा? ये देखो मैंने तुम्हारे लिए पानी रखा है और आज रात को हम ढेर सारा टेस्टी खाना खाएंगे ताकि तुम जल्दी बड़े हो जाओ। मुझसे तो कभी ऐसे बात नहीं की। अब बहुत हो गया, जल्दी से मेरा गिफ्ट मुझे दे दो। जी जी मेरी बेटी जी जी, देखो मम्मी वापस आ गई है। क्या ऐसा क्या मुंह देख रहे हो? ये जल्दी बड़ी हो जाए इसीलिए। अब चलो जी जी के लिए खाना लेके आते हैं। नी 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 नी। जरा संभल कर। मेरी जीजी को ये पसंद आ गया। का चक्कर है टिंगू चांद, आजकल वेजिटेरियन बन गया हो का? वो हमने एक छोटी सी छिपकली पाली है, ये कुछ इतनी साइज की है। खाने की चोरी के, हमसे झूठे बहाने बनाए और हमेशा झूठ बोला। अब 10 दिन ही है रुको। ओ मेरी जीजी मेरा इंतजार कर रही होगी। ओ मैं समझ गया, सरप्राइज पार्टी भी दे रहे हैं। नहीं जीजी, मम्मी अब तक नहीं आई। देखा, तुम ऐसे ही छोड़कर चली गई। पार्टी में सर्कस रखी है, ये मेरा अब तक का बेस्ट बर्थडे होगा। और गार्ड्स को पता चल गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। चलने दो पता। मैंने शायद जिराफ जाते हुए देखा। अरे जेल में जिराफ घुस आया है। अंदर कैसे आया ये? ओ मेरे जीजी, सब तुम्हें चोट पहुंचाएंगे। नहीं, हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकालते हैं। अरे भाई कहाँ हो तुम? इधर इधर ही हूँ मैं घोचू। गार्ड जीजी को पकड़ ले, उससे पहले हमें कुछ करना होगा। चलो जीजी जीजी ये जीजी जीजी वो, उसे जल्दी से ढूंढो। जीजी तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारी मम्मी बोल रहा हूँ। जीजी तुम ठीक तो हो ना? मेरी जीजी मिल गया, उसे पकड़ना ही होगा। चलो जल्दी भाग जाते हैं। मदद के लिए शुक्रिया।
हमें दीवार के पास ले चलो जीजी। Get set go। Happy birthday to you। बोला ये कहाँ ले जा रही है? अरे बकरा नहीं है क्या? ठीक से बात करो। आजादे, तुम सही कह रहे थे। थैंक यू जी जी। चलो। ओ नहीं, भाई? मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। जी जी, मेरे बेटे। वापस आ गए बरखुर्दा। मेरे जी जी। मेरी बेटी चीजी। तेरे साथ तो कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया। करता है लेकिन इसके अपोजिट। अरे हाँ। रोना बंद करो जो, जब भी तुम्हें याद आए तुम उससे मिलने जा सकते हो। सच्चे? हाँ, लेकिन अपनी सजा काटने के बाद। अरे मेरे भाई, मैं हूँ ना। जा भाई, ऐसा मत करो भाई। नहीं नहीं नहीं। कुछ खास नहीं है। एक मस्त वाला आइडिया आया। ये पढ़ो। एक चीज पिज्जा के साथ एक चीज बर्गर फ्री है। चुप। शहर में आया तूफान, भारी तबाही के चलते जेल कराया खाली। 1 तूफान आएगा, 2 भगदड़, 3 जेल खाली होगा और 4 आजादी। लेकिन तूफान आएगा तो ही ना। जरूरत नहीं, हमें सिर्फ जेलर को विश्वास दिलाना होगा कि तूफान आने वाला है। जेलर साहब, एक बड़ा सा तूफान आने वाला है। यहाँ तो हवा ही नहीं चल रही तो तूफान कहाँ से आएगा? तूफान जरूर आएगा। कुदरती संकेत देखिए, चिड़िया भाग रही है। हाँ? वो देखिए काली बिल्ली। बिल्ली? कहाँ पर है बिल्ली? देखिए डॉग्स की चीखे। बादल संकेत दे रहा है। तूफान से तबाही। सब लोग कैसे हैं वहाँ? मैं यहाँ लेदर से बना एक कपड़ा बेचने के लिए आया हूँ। इससे कुछ भी बनाओ, एक टॉवल बनाओ, शॉल बनाओ, एप्रन बनाओ, या फिर तुम कुछ भी बना सकते। देखिए एक और तूफान का संकेत। हाँ, तूफान का संकेत भी बनाओ। इस कपड़े की कीमत है सिर्फ 50 रुपए। 50 रुपए, सिर्फ 50 रुपए। संस्कारी, हमें जेल खाली करना होगा। ये सब तुम्हारा वहम है जो, जेल खाली नहीं होगा। लेकिन कुदरती संकेत का क्या? तूफान का कुदरती संकेत तब मिलेगा जब मुर्गियों के दांत उगने लगेंगे। पाक पाक पाक। एवरल और जैक, मुर्गियां ले आओ और हम दांत लाते हैं। भाई दांत मिल गए। गन चक्कर, हम आ गए। मुर्गिया कहाँ है? मैंने तुम्हें मुर्गिया लाने को कहा था। अरे अंडे है तो मुर्गिया ऑटोमेटिकली आ जाएंगी ना। पेक 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 पेक। नहीं, आज मेरा बिल्कुल भी लुक्का छुपी खेलने का मूड नहीं है। एक मिला। अरे मुझे भी। मैंने ना कहा था ना, छोड़ दो मुझे। बत्ती से ला। अरे गुदगुदी हो रही है। अरे जेलर आ गया। एक्सक्यूज मी जेलर साहब, मुड़कर देखिए, मुर्गियों को दांत आए हैं। हमारे पास वक्त बहुत कम है जेलर साहब। मुर्गी कहाँ है?
आज मैं मेरे प्लेनेट पर उड़कर ही जाऊंगा। चलो भविष्यवाणी करो। कुछ कह नहीं सकते, सांप पौधा। उड़ते हुए दांत, ये कैसा संकेत? मुर्गियों को दांत आने वाले संकेत मिल गए, अब तो जेल खाली करवा दीजिए। देखो मैं जेल तब खाली करवाऊंगा जब गधे हवा में उड़ने लगेंगे, समझे? हाँ, शेर वह संस्कारी व्यवहार कर रहा है, क्या ये कोई तूफान का संदेश हो सकता है? मैं इन सब अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखता हूँ। देखिए गधा उड़ रहा है। नहीं वो उड़ नहीं रहा। उड़ नहीं रहा से आपका क्या मतलब है जलर साहब? उड़ नहीं रहा मतलब उड़ नहीं रहा। आप जिद मत कीजिए, देखिए वो गधा उड़ रहा है। वैसे मुझे कोई गधा दिखाई नहीं दे रहा। देखिए एग्जैक्ट आपके ऊपर है। नहीं मेरे ऊपर नहीं है। चलिए मेरे ऊपर ही था, अब तो जेल खाली करवा दीजिए। तभी ही खाली करवाऊंगा जब गुलाबी हाथियों का झुंड ट्रैम्पोलीन पे नाचेगा और ऊपर से मेंढकों की बारिश होगी। ये होना तो मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। कुदरती संकेत जैसे कि उड़ते हुए दांतों से ये पता चलता है कि तूफान यहाँ पर बस 12 मिनट में आ जाएगा। अब इस कपड़े की कीमत है 450 रुपए। देखिए आसमान से कुछ गिर रहा है। संस्कारी मदद करो। अच्छा ठीक है। सरदार जोजो की तूफानी भविष्यवाणी तो गलत साबित हुई। आजादी। डाल्टन्स के गिरने का संकेत पहले ही मिल गया था। आश, ये तो तूफान की जगह पर भूकंप आ गया। क्या तुम मेरे प्लैनेट से आए हो? एक्सक्यूज मी मिस बेटी, जरा यहाँ आइएगा। एक संस्कारी ब्रेक लो। गांव के सरदार का जन्मदिन? ऐसा लगना चाहिए कि हमें उनकी कदर है। एक अच्छा सा तोहफा भेजो। क्या संस्कारी बांसुरी चलेगी? कुछ हिस्टोरिकल जो सालों तक याद रहे। एंटीक मूर्ति, 7 फुट लंबी, संस्कारों से भरपूर एक एंटीक मूर्ति। आइडिया बुरा नहीं है, चलो जल्दी बनाना शुरू करो क्योंकि बर्थडे कल ही है। इतना बड़ा मूर्तियों भी एक दिन में नहीं बनेगा। क्या कहते हो पतलू, लगी 10-10 के? 20-20 की। मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से कर देना, यही तो हमारे संस्कार है, है कि नहीं? अरे मैं मूर्ति बन गया हूँ। कब चाहिए ना, समझो काम हो गया, कोई शक? क्या तुम एंटीक मूर्ति बना सकते हो? जो बना सकता हूँ, मैंने स्कूल में 3 साल का 6 महीने में कोर्स किया है। वैसे मूर्ति बनाने के लिए मुझे बहुत शांति चाहिए होगी, क्या हमें स्टोर रूम मिल सकती है मैडम? अरे स्कूल में कहाँ कोई 3 साल का कोर्स था भाई,
हाँ, हम स्कूल ही कब गए थे? अरे मस्त वाला आइडिया है, सुन के डिसाइड करेंगे। अरे बेवकूफ, असली की मूर्ति नहीं बनाएंगे, हम लोग खुद ही मूर्ति बनेंगे। यार मूर्ति बन गया, कोई शक आकर देख लो। अरे वाह वाह, कितनी संस्कारी मूर्ति है। इस ससुरा मूर्ति को कहीं देखे हैं पर याद नहीं कहाँ, बहुत बदसूरत है। मिस्टर जो, कहाँ हो तुम मिस्टर जो? मूर्ति बनाने में तेल निकल गया, इसलिए सोने जा रहे हैं हम। क्या फर्क पड़ता है, पैक करके डिलीवर कर दो। काम हो गया, उन्हें कुछ पता नहीं चला। शाबाश मेरे भाई, मुझे इस मिट्टी से बहुत खुजली हो रही है। अरे लेकिन खुजा नहीं सकते। गांव के सरदार के लिए ये 100 साल पुरानी अंतिक मूर्ति हमारी तरफ से, हैप्पी बर्थडे। अच्छा हुआ वो घटिया फ्लूट नहीं थी, वो एंटरटेनिंग डांस शो का आयोजन करते तो भी चलता। आपके काले बालों का क्या सरदार? मूर्ति तो घटिया है लेकिन तोहफा तोहफा होता है तो रख लेते हैं। आज का दिन सेलिब्रेट करने के लिए एक शानदार और जानदार पार्टी का आयोजन किया जाए। आई बात समझ में? रात खत्म होते ही पतली गली पकड़ेंगे, तब तक हिलना मत। इतनी बड़ी चॉकलेट कैंडी। अरे चाटना बंद कर बेवकूफ। बाथरूम जाना है। कितना नाचोगे रे? 3 रात तो हो गई यार, आखिरी रात, आज कुछ भी करके यहाँ से निकलना ही होगा भैया। जैक, विलियम, अप्रैल, उठ जाओ। अप्रैल, कुछ कहा भाई? भाई 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 भाई। चलो भागो। ये मूर्ति बार बार अपना शेप बदल रही है, मैं इसको एक अच्छा शेप दूंगा। ठीक है, तो कदर करो। क्या सरदार नींद में है क्या? भाइयों भागो! चार भाइयों को एंटीक मूर्ति बनाने का बहुत शौक है ना? हाँ? एक रिटर्न एंटीक गिफ्ट की बोलने को तैयार। सब कुछ समझा सकते हो जेलर साहब? जरूरत नहीं, कल मेरे भांजे का बर्थडे है, तुम्हें वहाँ मूर्ति बनकर जाना होगा। डाल दो इन्हें सेल में। हाँ, मुझे लगा मटकी के अंदर चॉकलेट कैंडीज होंगी। कैंडी? मुझे कैंडीज बहुत पसंद है। ये क्या कर रहा? मेरा मुँह क्यों चाट रहा? हर बार मेरा मुँह क्यों चाटता है? ஜோ, உன் மேல இருக்கிற குற்றச்சாட்டுகளை பத்தி கொஞ்சம் விசாரிக்கணும். ஓ, அந்த பெட் கடையில பாம்பை வச்சனே அந்த வழக்க பத்தி பேச போறீங்களா?
தீர்ப்புல கொஞ்சம் தப்பு நடந்துருச்சு. அதனால திரும்பவும் நீ கோர்ட்டுக்கு போக வேண்டியிருக்கும். ஆனா அது வரைக்கும் நீ சுதந்திரமா இருக்கலாம். நாங்களும் ஜோக்கோட வெளியில போலாமா? வெளிய போனதும் பழையபடி வேலைய ஆரம்பிக்கலாம்னு இருக்கேன். எங்களை என்னைக்கும் மறந்துட மாட்டல்ல. அடடா ஜோ தப்பிச்சு போறா. அதிகாரிகளுக்கு இது தெரியப்படுத்தணும். உங்க சேவைக்கு ரொம்ப நன்றி. அப்படியே இல்ல. நான் தான் ஜோ டால்டன். ஜோ டால்டனா? டால்டன் பிரதர்ஸ்ல ஒருத்தனா? மீதி மூணு பேர் எங்க காணாம போயிட்டாங்களா? ஒருத்தனா வந்தாலும் நான் நாலு பேருக்கு சமம். அந்த நாலு பேர்ல ரொம்ப மோசமானவன். மத்த மூணு பேரையும் பார்க்காம நீதான் அதுல மோசமானவன். நான் எப்படி ஒத்துக்கிறது? அது அந்த பயம் இருக்கட்டும். அவ இங்க குடு. நான் நினைச்சது சரியா நடக்கல. ஆனா என்கிட்ட ஒரு திட்டம் இருக்கு. உங்களுக்காக நானே குக்கீஸ் தயாரிச்சு கொண்டு வந்திருக்கேன். அடுத்து என்ன பண்ணணுங்கறத நான் உள்ள எழுதி வச்சிருக்கேன். என்னப்பா இது? இப்ப குக்கீஸ்ல பேப்பர்மா போடுறாங்க. நீங்கெல்லாம் ஒற்றுமையா இருக்கிறத பாக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. ஜோ டால்டன் மறுபடியும் தப்பிச்சு ஓட பாக்குறோம். அதிகாரிகள் கிட்ட சொல்ற நேரம் இல்ல. நானே இதுல ஒண்ணுமே இல்ல. ஒருவேளை மேஜிக் இங்க வச்சு எழுதிருப்பாரோ? ஜோ முதல்ல சிறை அதிகாரிகளோட கவனத்தை திசை திருப்ப போறா. கயிறு கிடைச்சிருச்சு, கொக்கியும் கிடைச்சிருச்சு. அடுத்தது என்ன இருக்குன்னா, கொக்கிய கயிறுல மாட்டணும். மாட்டியாச்சு, இப்போ அதை தூக்கி போடு. ஜோ டால்டன் குடும்பமே இங்கதான் இருக்கா? நான் இருக்கும்போது நீங்க எப்படி தப்பிக்கிறீங்கன்னு பாக்குறேன். ஆமா, கயிறு எங்க போச்சுன்னு யாராவது பாத்தீங்களா? இந்த தடவை நல்லா மாட்டினியா ஜோ டால்டன்? சாரி, உங்களுக்காக ஒரு சுலபமான திட்டம் போடுறேன். இந்த தடவை சொதப்பாம பண்ணுங்க. ஏய், சும்மா எங்களையே குறை சொல்லிக்கிட்டே இருக்காத. உன் பிளான மட்டும் சொல்ல. இன்னும் ஜோ இவ்வளவு பெரியவனா வளர்ந்துருக்க, உனக்கு சரியா வரைய கூட தெரியல. கவலைப்படாத, ஜோ நம்மள காப்பாத்த வருவான். எனக்கு ஒண்ணு மட்டும் புரியவே இல்லையே. எல்லாத்தையும் அவனே செய்யணும்னு பாக்குறான். அவன் இல்லாம நம்மளால தப்பிக்க முடியாதா என்ன? ஹே பாப், இப்படி வரியோ? என்னது ஜோ, போலீஸ் ஆயிட்டா? நான் நம்ப முடியலையே. அப்படின்னா நாம ரெண்டு பேரும் ஒன்னா செயல்பட போறோமா ஜோ? என்ன பண்ணலாம்னு கொஞ்சம் யோசிங்க. யோசிச்சு யோசிச்சு எனக்கு தலைவலியா வந்துருச்சு. என்கிட்ட ஒரு அருமையான யோசனை இருக்கு. தேவையில்லாம நடுவுல பூந்து கெடுத்து விடாத. உன்னை நான் எந்த விதத்திலையும் தொந்தரவு பண்ண மாட்டேன் ஜோ. இன்னொரு பாப் தயாரா? தயா. கண்டிப்பா ஜோ பெருமா பாடுவா. சரி, ஒன்னு ரெண்டு, நான் வந்துட்டேன். அலாரம் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாம இங்க இருந்து தப்பிச்சு ஓடணும். நீங்க சொன்ன இடத்துல அசையாம நிக்கிறேன் பாருங்க. நாங்க தப்பிச்சா மட்டும் எப்படி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருது? இப்ப என்ன பண்ணனும்? மறுபடியும் லெப்ட்க்கு போ. எங்கதான் இருக்கீங்களா? அங்க பாருங்க போலீஸ்.
உங்க ஆட்டம் முடிஞ்சது. நீங்க மூணு பேரும் அங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? பார்ட்னருக்கு என்னோட உதவி தேவைப்படுது. நான் இப்ப களத்துல இறங்க போறேன். மாட்டீங்களா? இத வந்துட்டேன். எதுக்காக எனக்கு அப்பப்ப மெடலா குடுக்குறீங்க? ஏதாவது சாக்லேட் குடுத்தீங்கனாலாவது நல்லா இருக்கும். எல்லாம் ஒன்னாலதான் ஜோ, நாங்க தப்பிக்கிறதுக்கு ஒரு திட்டம் போட்டிருந்தோம், ஆனா நீ சொதப்பிட்ட. என்னது? நான் உங்க திட்டத்தை கெடுத்துட்டேனா? தயவு செஞ்சு என் கண் முன்னாடி நிக்காம ஓடிடு. எப்படி இருக்க ஜோ? நீதிமன்றத்தில இருந்து தீர்ப்பு வந்துருச்சு. பழைய தண்டனையோட சேர்த்து இப்ப இவங்களையும் தப்பிக்க வைக்க முயற்சி பண்ணதால கூடுதலா ஒரு மாச ஜெயில இருக்கணும். என்னது இது? ரொம்ப மோசம். இத நான் ஏத்துக்க மாட்டேன். மூணு பேரும் அமைதியா நிக்கிறீங்க, ஏதாவது பேசுங்க. அவனை என்னவனால பண்ணிக்கோங்க. இப்ப எனக்கு பசிக்குது, சாப்பாடு வேணும். देखो उसने पैंट सिर पे पहनी है। किसी का मजाक उड़ाना अच्छे संस्कार नहीं है। उसने तो शर्ट भी नहीं पहनी है। नानियों से जोरदार स्वागत कीजिए आपके नए साथी मिस्टर प्रकाश का। ये हिमालय से आए हैं। वहाँ ये संस्कारी गाय भैंसों की रखवाली करते थे और अब ये यहाँ के असंस्कारी लोग और जानवरों को संस्कार देंगे। बस संस्कार ही संस्कार। वेलकम, आपका स्वागत है। सबने देखा, उसने शेरू की तरफ बस देखा और शेरू सो गया। शेरू वैसे भी सारा दिन सोता ही रहता है। मिस्टर प्रकाश हमारे साथ बस एक ही दिन रहेंगे और ये एक दिन में जितने हो सके उतने संस्कार ले लो। इसके पास संस्कार होंगे तो लेंगे ना। लेकिन हमारे सेल में क्यों? कोई जगह नहीं है। चिट्ठी उछाली तो तुम्हारा ही नाम आया, क्या करें? अरे तुम हिमालय से आए हो या पागल खाने से? इसमें कितने सारे कांटे लगे हैं। योगी किलो पेंस होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा होता है। योगी, ये योगी वैसे करते क्या है? योगा, मेडिटेशन, महकाना, स्नेक डांस, सब पे 50% डिस्काउंट है। स्नेक डांस? सच में? तुम्हारे पास रस्सी है क्या? मेरे शूज में है। यार ये तो फ्लूट भी बजाता है। ए मिस्टर प्रकाश, क्या मैं तुम्हें प्रकाश बुला सकता हूँ? पिछली बातें भूल जाओ, नए से शुरू करते हैं। मुझे भी योगी बना दो प्लीज। ये मार कांटों से भरा है बालक, सोच लो। नहीं, ज्यादा दूर नहीं जाना है, बस ये फ्लूट वाला जादू सिखा दो। बदले में मुझे क्या मिलेगा? अवरेल की चादर। ठीक है, कभी कभी कांटों पे सोने का मन नहीं करता। उठो काम चोरो, मॉर्निंग वॉक पर चलना है। मेरे पास एक मस्त वाला आइडिया आया है। वो तो पता चल गया। मतलब? अरे जब तुम कहते हो कोई आइडिया आया है तो तुम्हारा मुंह ऐसा बन जाता है। हम प्रकाश के पास से वो ट्रिक सीखेंगे और उसकी मदद से यहाँ से भाग जाएंगे, कोई शक? हे प्रकाश, मैंने सुना है कि तुम किसी को भी जादू करके यहाँ से वहाँ पहुँचा देते हो। मिस्टर, टाइम नहीं है, चलो ट्रेनिंग शुरू करो जल्दी। मिस्टर नहीं, मास्टर बुला। ये मिस्टर मास्टर छोड़ो और हमें जल्दी से ट्रेनिंग दो, जल्दी। मुझे मास्टर बुला। ट्रेनिंग शुरू करो मास्टर जी, प्लीज।
चलो ऐसा करके दिखाओ। रे मास्टर, ये फ्लूट वाले ट्रिक सिखा। अरे मास्टर जी, ये कुल्हाड़ी डाली है, चलेगी क्या? हाँ चलेगी। तुम करके दिखाओ। इस योगी की एक्सरसाइज मुझसे नहीं हो रही, मैं इसकी वो फ्लूट चुरा लूं क्या? ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, सो जाओ, चुपचाप सो जाओ। ये ट्रिक कहां से सीखा? सीखा नहीं, ये तो पैदाइशी हुनर है। कल रात अच्छी नींद आई मुझे। मिस्टर प्रकाश, चलिए आपकी बस आ चुकी है। बाय बाय मास्टर जी, संभल के जाना कोई शक। अरे मास्टर जी, आप अपनी कीले भूल गए। इसे अच्छे से इस्तेमाल करना बालक, तुम बहुत आगे बढ़ोगे। ये फ्लूट खराब है, खराब है ये फ्लूट। अरे जो तुम इसे दिल से नहीं बजा रहे। वो देखो, आजादी, आजादी। क्या ये अचानक क्या हो गया? अरे मास्टर जी, वो कीले मुझे दे दो। अपना मुंह बंद रखो। देखो तो सही, नए बंदे ने मस्त स्कर्ट पहनी है। वो कोई स्कर्ट नहीं, स्पोर्ट्स वेयर है। ये कोई तो गेम खेलते वक्त पहनते हैं। स्पेसशिप, मुझे भी साथ ले चलो। क्या तुम मुझे बता सकते हो ये संस्कार तुम्हारे पास कहां से आए? इसका नाम है रग्बी। ये एक स्पोर्ट है। एक स्पोर्ट्समैन, हेल्दीनेस, आई लाइक इट। खेल कूद करना, यही तो हमारे संस्कार है। हमें गेम आयोजित करनी चाहिए। मैं बड़े बड़े लोगों को इनविटेशन भेज देता हूँ, शायद इस बार प्रमोशन मिल ही जाए। प्रमोशन। एक संस्कारी स्पोर्ट्स गेम का आयोजन हो रहा है। स्पोर्ट्स से नफरत है मुझे। इसका नाम है रग्बी। ये स्कॉटलैंड का स्पोर्ट है। फुद्दू फुटबॉलर हम सबको इस गेम के संस्कार देंगे। मतलब हमें भी स्कर्ट पहननी है? नहीं, सिर्फ शर्ट। जेल का बजट नहीं है इतना। ये गेम सीखने के लिए हम संस्कारों के साथ एक दिन जेल के बाहर जाएंगे। ये ना बात, अब मुझे स्पोर्ट्स पसंद है। तो हम ये जो गेम है, बरगाई, गरबाई, बुगराई, अरे वो जो भी है उसे खेलेंगे और मौका पाते हैं पर। भागना भागना तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बार वो स्कर्ट पहननी है बस। रग्बी में बॉल ओवल होता है। मेरी स्पेसशिप, मुझे इसमें बैठने दो। रग्बी में हमेशा बॉल पीछे से पास होती है। फॉर एग्जाम्पल, ए छोटे बॉल पकड़। कोई बात नहीं, मुझे स्पोर्ट्स पसंद है। बहुत अच्छे छोटे, तुम्हारा नाम क्या है?
मेरा नाम है जियो। मैं हूँ पप्पू। प्यारी तो बम्बी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है टैकल। मैं तुम सबको एक डेमो देता हूँ, चलो पकड़ो इसे। अब जाओ जो भागो। मेरी स्पेसशिप वो मेरे बिना ही जा रही है, प्लीज मुझे भी ले चलो। इसे कहते हैं छोटा सा टैकल, समझ में आया ना? हाँ, अच्छा सा समझा। मुझे लगता है सब तैयार हैं, खास करके वो छोटू जो सही खेलता है। ठीक है तो मैच संडे को रखते हैं, संडे ठीक होगा ना, बहुत लोग आ सकेंगे। ये लो छोटू बॉल। चिंता मत करो जो, अभी तो सिर्फ नाक टूटी है, धीरे धीरे शरीर का हर एक हिस्सा टूट जाएगा। दांतों का तो हूल गए। अरे मुझे सब चार चार क्यों दिख रहे हैं? सॉरी छिल छे। हाफ टाइम, जाओ मरहम पट्टी करवाओ। उठो डाल्टन्स, उठो, अभी भी शरीर में बहुत सी हड्डियां सलामत है तुम्हारे। भाई हम यहाँ से कैसे भागेंगे? स्टैंड्स के पीछे घोड़े हमारा इंतजार कर रहे होंगे, उन पर बैठकर हम भाग जाएंगे। दुख रहा है। मेरी स्पेसशिप, ये मेरी स्पेसशिप है, दूर रहो इससे, दूर रहो। बाई तरफ चलो, सीधे नहीं नहीं लेफ्ट, थोड़ा राइट, चलो ठीक है, अब कूदो, चलो। हे, कहाँ जा रहे हो तुम चारों? दिख नहीं रहा पहलवान, हम लोग भाग रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, अभी तक गेम खत्म नहीं हुई। तुम्हारे कल में भूसा भरा है क्या? मुझे गेम की नहीं पड़ी, हम भाग रहे हैं बस। तुम जगह से हिल के तो बताओ। ये मुझे गुस्सा दिला रहा है, मैं तुम्हारी ये बकवास गेम अभी खत्म करता हूँ। बॉल मुझे दो वरना अच्छा नहीं होगा। बहुत अच्छे टिंगू चंद, तुमने बहुत ही अच्छा खेला, हम जीत गए। हम जीत गए। आज मेरी स्पेसशिप, तेरी तो सारी हवा ही निकल गई। हम जीत गए। ओए होए होए, अरे रे, हम जीत गए। भूल गए।